मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक कहानी सुनो। आज ही की बात है, मैं एक जंगल से गुजर रहा था, अचानक एक शेर आया। मैंने गाड़ी रोक दी। शेर ने कहा, ये डांस के बाप के ग्रैंड मास्टर को बाहर बुलाओ। मैं तो डर गया। मैं बाहर आया, मैंने कहा, जी शेर जी। शेर ने कहा, ये डांस के बाप ये क्या है? मैंने कहा, जी डीआईडी लिटिल मास्टर्स के बच्चे हैं। शेर ने कहा, बाप बाप तो सिर्फ एक ही है, मैं शेर खान। ये सुनकर मैं हंस पड़ा। शेर को बहुत गुस्सा आया। शेर ने चिल्लाया, मैं और जोर से हंसा। शेर ने कहा, मूर्ख तुझे डर नहीं लगता? मैं तुझे खा जाऊंगा। मैंने कहा, शेर जी डर नहीं लगता इसलिए कि जो बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं वो कुछ करते नहीं है, और मेरे बच्चे चिल्लाते कम हैं और करते हैं बहुत ज्यादा। ये सुनकर शेर हुआ ढेर, और मैंने कहा, वेलकम टू माई किंगडम। और अब इस किंगडम की कहानी आप लोगों को सुनाऊंगा। निंजास, नीरव के निंजास। दूसरी टीम है कृति के क्रैकर्स। लॉकिंग एंड पॉपिंग ने भी एक टीम बनाई है। चौथी टीम है राघव के रॉक स्टार्स। Hello।
की कहानी बताने के लिए मैं बुलाऊंगा गोकुल धाम सोसाइटी के शेर खान को। आओ मेरा शेर खान। स्टैच्यू ऑफ। थैंक यू दादा, स्टैच्यू ऑफ कर दिया। ये सब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? तुम्हें दराओ, आप लोग उधर रहो। थैंक यू दादा, स्टैच्यू ऑफ कर दिया। मैं तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी लग रहा था खड़े-खड़े। एनीवेज, ये पहले बताओ ये कब उनको क्यों नहीं दे रहे? दादा मैं ये कब इन्हें कैसे दे सकता हूँ, ये तो बाद में, मतलब आपको पता है सब दादा। अरे उन्हीं का है, उन्हें दे दो। लेकिन अभी नहीं, ये कब आपको तभी मिलेगा जब आप बहुत अच्छा डांस करके DID मास्टर ब्लास्टर बनोगे, तभी एक कप तुम्हें मिलेगा। ओके देन, थैंक यू सो मच लिटिल मास्टर्स एंड स्किपर्स, जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। अरे एक 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 मिनट, मैं तुम लोगों के साथ ही बैठूंगा, लेकिन पहले आप लोग जाके बैठो। अब मैं उन दोनों को बुलाना चाहूंगा जिन दोनों ने मास्टर टेरेंस के साथ मिलकर इतने सारे टैलेंटेड बच्चे लाए हैं। सो प्लीज वेलकम मास्टर गीता एंड मास्टर उड़ी बाबा मर्जे। क्या बात है, कोई शो अच्छा नहीं लगता जब तक गीता मेरे पास ना हो। वेल, अब मिस्टर शेर खान एंड उड़ी बाबा विल टेक ओवर। लेकिन एक बात बता दूं, अब से इस स्टेज का सारा फैसला ये दोनों करेंगे। जोर से ताली हो जाए। मास्टर गीता, मास्टर मौसी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको हमारे ग्रैंड मास्टर ने दी है, लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि क्या उम्मीदें हैं आपको इन बच्चों से? क्या उम्मीदें हैं इनसे, इसके बारे में हम क्या बोलें? एक्चुअली हमारा सारा ध्यान तो इस बात पे है कि इनकी उम्मीदों पे हमको खरा उतरना है। सो आई थिंक दैट इज द क्रक्स ऑफ द सिचुएशन राइट नाउ। सच में डांस के बाप लोगों को जज करना है और वो एक बहुत ही मुश्किल काम होता है। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। होगा कोई नंबर वन तो